हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड देखिए, आज हम लोग आ चुके हैं ओझला पुल घूमने। और ये जो ओझला पुल देख रहे हैं आप लोग, मिर्ज़ापुर और विंध्याचल जाने का मेन रास्ता है। बताया जाता है फ्रेंड्स कि ये पुल जो है कि काटन के व्यापारियों ने अपने एक दिन के कमाई से इस पुल को बनवाया था। और ये जो पुल है ये लगभग 300 साल पुराना पुल है। तो चलिए, इस पुल की कुछ विशेषताएँ हैं, आप लोगों को पुल की विशेषताएँ बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये जो पुल है, सामने आप लोगों को गंगा नदी दिखाई दे रही होगी और गंगा की सहायक नदी ये छोटी सी ओझला है। ओझला यही पुल है, देखिए ये पुल है, ये इसका इधर से इधर मिर्ज़ापुर है। और इस रास्ते से जाएंगे आप लोग तो सामने आप लोगों को विंध्याचल, ये रास्ता विंध्याचल ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस पुल के बारे में एक आश्चर्य हम बताते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा या ना पता हो। ये जो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, ये रोड बनी है इस पुल के नीचे फ्रेंड्स एक सुरंग है, मतलब कि यहाँ पे दो पिलर हैं, एक पिलर वहाँ पे देख रहे हैं और एक पिलर यहाँ पे, दोनों तरफ इसके नीचे कमरे हैं फ्रेंड्स। जो ये पुल है, पुल के नीचे आप लोगों को सुरंग मिलेगी। और ये जो देख रहे हैं ऊपर, यहाँ से ऊपर भी इसमें भी कमरे हैं और जो इधर देख रहे हैं इसमें भी कमरे हैं। तो चलिए पहले आप लोगों को हम ऊपर वाला कमरा दिखाते हैं। इसके अंदर कमरे हैं, वहाँ पर भी कमरा है और ऐसे ऐसे चार पिलर हैं, एक इधर है और एक हमारे सामने है और दो उस तरफ आप लोगों को दिखाई देंगे। तो चलिए पहले हम आप लोगों को ये वाला पिलर दिखा देते हैं और इसके अंदर सुरंग है जो आप लोगों को, वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो रास्ता देख रहे हैं आप लोग, सीढ़ी ये जाएगा ऊपर वाले कमरे में। और ये जो देख रहे हैं, जो ये वाला रास्ता है जिसमें बहुत गंदगी है, ये जाएगा रोड के नीचे वाले सुरंग में। तो चलिए, नीचे वाला रास्ता सही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ अंदर। चलिए हम लोग पहले ऊपर चलते हैं और आप ऊपर से आप लोगों को दिखाते हैं कमरा जो कि इस ओझला पुल में है। देखिए फ्रेंड्स, इसके मरम्मत ना होने के कारण, साफ सफाई ना रखने के कारण जर्जर अवस्था में हो चुका है, ये कभी भी टूट सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर का है, सेम इसके तरह उस बगल भी है और रोड के उस किनारे पे भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग आ चुके हैं ऊपर, उधर देख सकते हैं आप लोग, उधर से बनाया गया है। देख सकते हैं हम लोग पुल के एकदम ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पर कि आप लोग कभी नहीं आए होंगे। अगर इस रास्ते से गए भी होंगे तो यहाँ पे आप लोग आकर कभी नहीं देखे होंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, पीछे जो आप लोग देख रहे हैं पुल, इस पे से ट्रेन जाती है, मालगाड़ी। और इस तरफ देख सकते हैं आप लोग, पीछे गंगा जी दिखाई दे रही हैं। ये फ्रेंड्स चार पिलर है, एक पिलर पे हम लोग खड़े हैं, एक उधर दिखाई दे रहा है आप लोगों को और दो हमारे पीछे है। सेम सभी पिलरों पर ऐसे ही रूम बने हुए हैं। और फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कितनी गंदगी है, बहुत गंदगी है। पुल के बारे में एक दो खास बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। पहला तो ये हम बताते हैं कि ये पुल कैसे बना। बताया जाता है कि रुई के व्यापारी जो थे, आने जाने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो उन लोगों ने एक दिन का अपने कमाई के रुई से इस पुल को बनवाया था। ये पुल लगभग 300 साल पुराना हो चुका है और इस समय ये जर्जर अवस्था में है। और दूसरा फ्रेंड्स कि यहाँ प्रत्येक नागपंचमी को बहुत भीड़ लगती है, गाँव ग्राम से महिलाएँ आती हैं जो कि गंगा जी नदी आप लोग देख रहे हैं पीछे, यहाँ पे स्नान करती हैं। यहाँ पे मतलब स्नान करना शुभ माना जाता है नागपंचमी के दिन। तो फ्रेंड्स, और ये जो नवरात्र का महीना है, तो पीछे आप लोग जब देख रहे हैं जो विंध्याचल जाने वाला रास्ता है, इस पूरे ओझला पुल को एकदम लाइटिंग से पूरा एकदम चमकाया जाता है, पुल का पूरा एकदम नज़ारा देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग अभी जो नीचे दिखाए हैं रोड के नीचे वाला सुरंग, यहाँ से भी ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से भी नीचे जाया जा सकता है रोड के सुरंग के, लेकिन यहाँ मधुमक्खी का छत्ता होने के कारण हम लोग नीचे नहीं जा रहे हैं। और ये देख लीजिए, नदी जो है इस समय एकदम पूरी सूख चुकी है। जब गंगा जी बढ़ती हैं तो ये नदी एकदम भर जाती है। आप लोग वो जो देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ तक पानी चलता है जब गंगा जी बढ़ती हैं, तो इधर से गंगा जी का पानी आता है, देख लीजिए।
लोगों को इस पुल के बारे में हम एक और जानकारी बताना चाहते हैं। हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और अमरपाली दुबे यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग भी कर चुकी हैं। एक छोटा सा मूवी का क्लिप लिया गया था यहाँ पे भोजपुरी, उस मूवी का नाम है आई मिलन की रात, जिसकी शूटिंग इस पुल पे भी की गई थी। यहाँ पे क्रेन से बांधकर अमरपाली दुबे को नीचे गिराया गया था इस पानी के में, तभी उस समय ये पानी पूरा मतलब नदी एकदम भरी हुई थी। जो कि ये पुल है उजला पुल, ये पूरा एकदम खूबसूरत बनाया भी गया है। काफ़ी सब पत्थर के डिजाइन है इसमें। ये पूरा जो पुल देख रहे हैं आप लोग, सब पत्थर की सहायता से बनाया गया है और सूखी चूना से। फ्रेंड्स, ये पुल 300 साल पुराना है, जो कि सरकार के ध्यान न देने की वजह से ये पुल इस समय जर्जर अवस्था में भी है। बहुत कम ही ऐसे पुल हैं कि जो ऐतिहासिक पुल हैं, जिसको कि हम खोते चले जा रहे हैं। सरकार ऐसा इस पर ध्यान दे और इस पुल को रिपेयरिंग करवाए, इसे अच्छे से रखे, ताकि ये पुल को हम खोए ना और एक यादगार की तरफ ये पुल हमारा। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं तक। कल फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।